करनाल पुरानी तहसील मार्केट में एक शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने दी सूचना। रविवार तड़के करनाल में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की माने तो नजदीक से शराब की दुकान है और वह अधिकतर शराब पीकर लोग वहीं सड़क पर सो जाते हैं। आपको बता दें, मृत शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में भिजवा दिया है। सब कुछ है, घर के इनकी बीमारियों से तंग है, वो इनकी दवा दारू कर नहीं सकते और ये लोग इस तरह से मार्केट्स में मंदिरों के बाहर पड़े हैं। इनको खाना नहीं कोई देता, इनका कोई इलाज नहीं कराता। ये जो लोग कहते हैं ठेकों के आसपास तो इन लोगों ने अपने ठिकाने बना लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको कोई ना कोई खाने तो के लिए चोट के निशान काफ़ी है। क्या लगता है ये ऐसा है जी, पिछले 15 दिन से इसका पेट फूल के डबल हुआ हुआ है। हम लोगों ने इसको कोशिश भी की है मार्केट की तरफ से, कह लो भाई इसका कोई प्राथमिक उपचार दे के ठीक हो सकता हो, लेकिन लाइलाज था। लाइलाज व्यक्ति यहाँ पड़ा अपना टाइम काट रहा था, ये इसकी मौत तो निश्चित थी जी। ये नेवल का रहने वाला है और यहाँ पे भीख मांगता था और इसके अंदर जो बीमारी है घर के तंग आके यहाँ छोड़ गए। इसी तरह से एक आदमी बस स्टैंड पे छोड़ गए थे कुछ रोज पहले, जो हमें पता लगने पे उच्चा स्मड़ा गाँव में ऑटो करके भेज दिया हमने भी, इस गाँव का है वहाँ भेज दिया। हम ठेके वालों का ये प्रयास नहीं है जी कि किसी की इस तरह से मौत हो। हम सारी रात अपने लड़के भगाते हैं जो देखते हैं किसी ठेकों के बाहर अगर कोई पी के गलती से सो गया है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, हम उसको उठा के अपने कन्वेंस से उसके घर तक भिजवाते हैं, सिर्फ इसलिए भी किसी की जान की रक्षा हो सके। मैं एक अभी फिर वहाँ जाकर देखेगा, अभी ठीक 5 मिनट पहले हम फोन कॉल पर यहाँ आए हैं, अब पब्लिक से बातचीत करें, अभी कोई जानता पहचानता हो ताकि हम उसके घर पर सूचित कर दें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी, अब कैसे इसी सूचना मिल जाए उसके घर पर सूचना दे दें, और थाने से इन्फॉर्मेशन कर दिया वहाँ से आइयो अभी आ जाएगा 5-10 मिनट में। तो लोगों का कहना है, दुकानदारों का भी, यहाँ पर काफ़ी शराब पी के रात को लेटे रहते हैं और पहले भी एक दो डेड बॉडी यहाँ मिली है। ऐसे जी हमारे को तो कोई सूचना मिली, ताकि हम रात को भी गश्त करते हैं, शाम को भी, दिन में भी, हमने ऐसा नहीं कोई मिला भाई रात को पड़े थे। ये कहीं फुटपाथ पर पेटे लौटे रहते हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि 8:30 के आसपास फोन कर दिया गया था, 3 घंटे आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा हो जाते हैं पुलिस के तौर पर आने के लिए? जो कंट्रोल में किया होगा या कहीं का, वो तो मैं मालूम नहीं, कंट्रोल है मेरे को अभी ठीक 5 मिनट पहले टेलीफोन किया थी छुट्टी दी है, मैं उसके मुताबिक फौरी तौर पर आया हूँ। सर आगे कार्रवाई क्या करिए? अगली कार्रवाई पहले छानबीन कर रहे हैं, यदि कोई मिल गया तो इसके घर इन्फॉर्मेशन देंगे और जो बाकी थाने से आयोजन लग रहा है जो कानून कार्रवाई करेंगे।